हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इन ठंडी हवाओं का साक्षी हूँ मैं इस पाकड़ पेड़ के नीचे। जी हाँ, मैं एक तरुण पाकड़ के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। पाकड़, इसका कि वानस्पतिक नाम फिकस स्पेसीज है, फिकस कैरिका या फिकस स्पेसीज कह सकते हैं, ठीक है। पीपल कुल का है ये। काफ़ी शांत प्रवृत्ति का पेड़ है ये, काफ़ी सुंदर दिखने वाला, काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन का सोर्स। और रूट विन्यास काफ़ी जटिल होती है, काफ़ी बढ़िया रूट की सेटिंग होती है इसकी, काफ़ी अच्छी रूट की विन्यास होती है। रूटिंग हैबिट काफ़ी ज़बरदस्त होता है, साथ ही साथ जो एक्सटेंड बाहरी वातावरण होता है इस पेड़ का, वो भी काफ़ी गुमदाकार सुंदर दिखने वाला। और पूरे साल घनी और काली छाया प्रोवाइड करने वाला, कितना भी धूप हो घनी और काली छाया प्रोवाइड करता है पाकड़, ठीक है। अगर पाकड़ के दो चार पेड़ एक साथ हो तो वहाँ पे आप देखेंगे कि घनी और काली छाया आपको मिलेगी, यानी धूप का बिल्कुल एक भी टुकड़ा या एक भी पॉइंट धूप का नीचे नहीं आएगा। इतना घना पौधा होता है, इतना घना जो है कि इसकी पत्तियाँ होती हैं, इतनी ठंडी नेचर का होता है और औषधीय गुणों से पूरी तरीके से परिपूर्ण होता है। और एक सुंदर गुम्बदाकार रूप धारण किए हुए पाकड़, जो कि अपने विशालकाय रूप और जटिल रूट विन्यास के लिए जाना जाता है। किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को स्टैंड रखने का काम पाकड़ करता है, चाहे इसे जो है कि मॉइस्चर मिले, वाटर मिले, न मिले, कितनी भी ज़्यादा धूप हो, कितनी भी ज़्यादा ठंड हो, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ का, अपने आप को प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से स्टैंड रखने में कारगर होता है पाकड़। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है कि फ्लोरल हैबिट या फिर इसकी फिजियोलॉजी है, बहुत कुछ सीख देता है पाकड़। जीवन में बहुत सारे कठिन दौर आते हैं हमारे भी, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन हमें चीज़ों को पाकड़ से सीखनी चाहिए। पाकड़ की जड़ें जो है कि बहुत नीचे तक जाती हैं और पानी को ढूंढ ढूंढ कर अपना अपना भोजन बनाती, तो हमें भी कठिन प्रयास करना चाहिए, कठिन मेहनत करना चाहिए, किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा रखना चाहिए। ये चीज़ पाकड़ से हमें सीखने की ज़रूरत है। औषधि गुणों से परिपूर्ण, जैसा कि मैंने बताया, आप पाकड़ के छाल, पाकड़ के पत्ते, पाकड़ के जो फ्रूट्स होते हैं, काफ़ी औषधीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चिड़ियों का भोजन होते हैं पाकड़, एक जो है कि इकोसिस्टम होता है पाकड़, जिसके ऊपर बहुत सारे रैन बसेरे होते हैं चिड़ियों के और भी जानवरों के। इसकी पत्तियों के, इसके जड़ों के छाल का लोग जो है कि हड्डियों को मजबूत करने में या फिर पसीने की बदबू को ख़त्म करने में या फिर और तमाम औषधि गुणों में लोग इसका यूज़ करते हैं। काफ़ी घनघोर छाया, सुंदर प्रवृत्ति, और जितना पुराना पाकड़ होता है उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, ऐसा माना जाता है। और बिल्कुल ये बात सही भी है, हम अनुभव कर सकते हैं इसके नीचे शीतल छाया, और हमेशा शीतल छाया और हमेशा जो है कि हवा चलने वाला, हवा का संचार रखने वाला ये पाकड़ होता है। काफ़ी सुंदर नेचुरल, ठीक है। आई होप कि आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।